क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता जी कहाँ से आ रहे हो आप? नेपाल से आ रहे हो। और यहाँ आने से पहले आपको क्या तकलीफ थी? दोनों कानों से सुनाई नहीं दे रहा था। और कितने टाइम से? मतलब एक मिनट सर, आप बताइए कितने टाइम से होगा ये प्रॉब्लम उनको? अभी पहले तो खराब ही था बचपन में, बराबर। अभी ये कमज़ोर हुआ, 15 साल हो गया। 15 साल से प्रॉब्लम था। आप कई डॉक्टरों के पास गए होंगे? डॉक्टर को सर्जरी भी कराया। अच्छा, सर्जरी भी करवा ली थी, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला? रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है। अभी यहाँ पे आए, हमारा नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने हिस्सा लिया, आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आप यहाँ तक चले आए नेपाल से। तो अब ये ट्रीटमेंट लेने के बाद, बिना मशीन बिना ऑपरेशन वाला ट्रीटमेंट आपका हुआ, आपको कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पशुपतिनाथ, आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिले और बहुत ज़्यादा क्या बोले अब, और मतलब और तरक्की करे और लोगों को हम अच्छा कर सके। जो नहीं सुन पा रहे हैं उनको और लोगों को सुनाई देना चालू हो, वैसा कुछ कर सके कि बहरापन पूरे संसार में कहीं ना रहे। इतने विश्वास करके तो आए हैं यहाँ पर इतनी दूर से। और थैंक यू, आपने जो विश्वास दिखाया हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर, और आप नेपाल से यहाँ तक आ गए, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर। आप बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा ना? पहले आपने देखा था सिचुएशन, मशीन लगाने की भी बात भी वो नहीं, कोई जरूरत नहीं है मशीन लगाने की। नहीं, अभी तो सुन रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस कोई दिक्कत नहीं, पशुपतिनाथ को जाके एक नारियल चढ़ा देना, फर्स्ट क्लास। इनको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है और आगे भी अच्छा ही रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके मैडम, थैंक यू। धन्यवाद।